The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. What are we talking about? We are talking about vasectomy today. So vasectomy yane ke males ka sterilization. जैसे फीमेल्स का ट्यूब लाइगेशन हो जाता है, जो नसबंदी हो जाती है, वो क्या नसबंदी कराने के बाद आदमियों की, पुरुषों की सेक्स ड्राइव, सेक्स की इच्छा कम हो जाती है, क्या नसबंदी कराने के बाद वापस उसे रिवर्ट कर सकते हैं, क्या उसके नुकसान है, क्या किसको कराना चाहिए नसबंदी, वैसेक्टॉमी मेल्स में, फीमेल्स की नसबंदी को जो कहते हैं ट्यूबल लाइगेशन और मेल्स की वैसेक्टॉमी. आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा उसके बारे में एनाटॉमी. एनाटॉमी क्या है, यानी आपके शरीर के अंदर कैसे ऑर्गन्स होते हैं. आपके मेल्स के शरीर के अंदर होते हैं अंडकोश, यानी कि आपके टेस्टिस. आपके टेस्टिस से बनते हैं आपके स्पर्म्स, राइट. और अल्टीमेटली आपके स्पर्म्स ही फीमेल के अंदर जाके करते हैं उनको प्रेग्नेंट और रिप्रोडक्शन होता है उससे. अगर इन स्पर्म्स को किसी तरीके से इनके पाथवे को ही काट दिया जाए, यानी ये स्पर्म से जब वास डिफरेंस नाम का जो पाथवे था वहाँ से निकल जाता है, तो उस पाथवे को ही काट दिया जाए, लाइगेट कर दिया जाए, बांध दिया जाए, तो क्या होगा. तो ये होगा कि आपके स्पर्म्स बनेंगे, आपके स्पर्म्स मैच्योर होंगे, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाएंगे. बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अगर नो फैप करते हो, मैस्टरबेट नहीं करते हो, आप कुछ नहीं करते हो, तो वहीं बैठे रहते हैं और बैठे बैठे जब उनकी लाइफ खत्म हो जाती है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, वैसे ही वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे. तो वैसेक्टॉमी क्या है, ये वो सर्जरी है जिसमें टेस्टिस से आपके पेनिस तक बाहर निकलने वाली जो लाइन, जो रास्ता है, उसको वास डिफरेंस को काट दिया जाता है. ये ट्यूब्स को जो यूरिथ्रा तक, पेशाब की नली तक लेके जाती है, उसको काट दिया जाता है, तो आपके स्पर्म्स बाहर नहीं आ सकते. सो जो इसको सक्सेसफुली अगर कर लिया गया, ऑब्वियसली आराम में, बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, जिसका हो गया, वो आदमी किसी फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा, पीरियड. लेकिन ज़्यादातर ये एक छोटा सा ऑपरेशन है, एक लोकल एनेस्थेटिक, बेहोश भी नहीं करना पड़ता है, बेहोशी भी नहीं है, एक छोटा सा लोकल एनेस्थेटिक दे के वहीं हो जाएगा. आपको कोई खास दर्द भी नहीं होगा, आपको खास पेन भी नहीं होगा, आपको सिर्फ एक छोटा सा चीरा, इतना सा चीरा मारा जाएगा, आपके स्क्रोटम को शेव करके क्लीन किया जाएगा, आपके सर्जन एक छोटा सा इंजेक्शन देंगे, क्या नाम है उसका, लोकल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक लिग्नोकेन जैसे, और नम करके सर्जन एक छोटा सा कट मारेगा स्क्रोटम के अपर पार्ट में. वैस डिफरेंस को ऊपर से पहले पहचाना जाएगा, ये वैस डिफरेंस है, फिर वो वैस डिफरेंस को पकड़ के ऊपर से धागा बांधा जाता है, नीचे से धागा बांधा जाता है, बीच में से काट दिया जाता है, राइट. सो ऐसे वैस डिफरेंस को काट के उसके बाद बांध के उसके टाके मार दिए जाते हैं, ऑपरेशन खत्म. तो इसका मतलब क्या है, आपका वैस डिफरेंस अब स्पर्म्स ले जाने के लिए रास्ता हो गया बंद. अब कई बार विदाउट अ स्काल्पेल, नो स्काल्पेल टेक्निक भी होती है इसमें. नो स्काल्पेल टेक्निक का मतलब क्या होता है, NSV, जिसमें के सर्जन जो है वायस डिफरेंस को फाइंड करते हैं बाय फीलिंग द स्क्रोटम. स्क्रोटम को फील करके उसकी ट्यूबिंग्स को ऐसे ऐसे करके पहचानते हैं कहाँ है ट्यूब, और जब ट्यूब को पहचानते हैं तो एक दवाई दी जाती है, नमिंग मेडिसिन. नमिंग मेडिसिन से क्या होता है, एक छोटा सा होल किया जाएगा आपके स्क्रोटम में, और सिर्फ जो वो ट्यूब है उस ट्यूब को बांध के उस ट्यूब को काट दिया जाएगा, एक छोटा सा, वो होता है विदाउट इंसिजन, टांके भी नहीं लगते. तो ऐसा भी है, अभी नो स्काल्पेल वैसेक्टॉमी भी होती है, राइट. वैसेक्टॉमी में जो भी इंसिजन होगा, जो भी सर्जिकल वूंड होगा, बहुत छोटा सा होता है, और वो ज़्यादातर उसी चीज़ का साइड इफेक्ट हो सकते हैं जिसके हो सकते हैं, वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, वहाँ पे खून जमा हो सकता है, हेमाटोमा हो सकता है, वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो भी उन लोगों में जो खुद का ख्याल नहीं रखते, ज़्यादातर लोगों में ऐसा नहीं होता, राइट. अब प्रोसीजर किसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए जो और बच्चे नहीं चाहते,
जिनके बहुत बच्चे हो चुके हैं या जो किसी फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं करना चाहते, राइट। और वैसेक्टॉमी आपको स्टराइल कर देगी, आप बांझ हो जाओगे, आप बच्चे नहीं पैदा कर पाओगे। बांझ तो नहीं बोलते, क्या बोलते उसको, नसबंदी हो जाएगी, राइट। आप किसी को प्रेग्नेंट नहीं कर पाओगे। फिर वैसेक्टॉमी अगर आप कुछ वक्त के लिए करना चाहते हो कि भाई मुझे 10 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए बच्चे नहीं चाहिए, तो नहीं की जाती है वैसेक्टॉमी, नहीं की जाती है टेम्पररी बर्थ कंट्रोल के लिए, नो 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 नो। ये जब रिवर्स करने की बात आती है कि इसको रिवर्स करें, तो वो एक ये जो छोटा सा ऑपरेशन था उससे काफी ज्यादा मेजर कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है इसको रिवर्स करना। ऑब्वियसली रिवर्स करना पॉसिबल है, लेकिन इट्स बेटर नॉट टू गो टू दैट एक्सटेंट, रिवर्स करने की जरूरत ही ना पड़े। गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, आपके बच्चे खूब हो चुके हैं, आपको और बच्चे नहीं चाहिए, या आप रिलेशनशिप में हैं जहां पर कि आप फीमेल जो हैं, लेडी हैं, उनको कोई ऐसी बीमारी, हेल्थ प्रॉब्लम है कि अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो उनकी जान पे बन सकती है, या आप किसी रिलेशनशिप में हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, जो ऐसी बीमारी है जो आप पास ऑन नहीं करना चाहते कि बच्चे हो उनको जेनेटिक ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी हो, या फिर अगर आप बॉदर्ड हैं कि भाई मुझे बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं लेना है, बार बार बहुत टाइम हो गया है मेरे को नहीं लेना और बच्चे नहीं चाहते हैं, तो आप वैसेक्टॉमी करवा सकते हैं मेल का। और अगर आप आगे चल के सोचो कि बच्चे चाहिए, या सिर्फ अनस्टेबल रिलेशनशिप में है, स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप में है आप, तो या फिर अगर आपके ऑपरेशन करा के सिर्फ अपने पार्टनर को खुश करना चाहते हैं, राइट, सो आप ये ऑपरेशन मत कराइए। ऑब्वियस सी चीज है, इट्स नॉट जस्ट अ स्मॉल डिसीजन, इट्स अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, राइट। यू हैव टू मेक इट इन अ गुड माइंडफुल वे, राइट। सो जब भी आप वैसेक्टोमी कराते हैं, रिस्क क्या है? पहली और सबसे बड़ी बात, इससे आपके सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की क्षमता, उसकी ताकत, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जीरो अंडा गुड़ गुड़ पानी, जीरो, कुछ नहीं, राइट। और देर इज नो सीरियस रिस्क इन्वॉल्व इन द केस, राइट। आपके स्पर्म्स अगर टेस्ट होंगे तो आपके आपके सीमेन अगर टेस्ट होगा तो उसमें जीरो स्पर्म्स आएंगे, कि आने की रास्ता ही नहीं है, हमने काट दिया है ना। तो सीमन एनालिसिस में स्पर्म्स नहीं मिलेंगे, और तो वो जरूर चीज है, लेकिन आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल उतना ही बनेगा जितना बनता है। आपको इंजेक्शन और इंसीजन और वहाँ टाके लगेंगे, वहाँ का दर्द हो सकता है, वहाँ पेन हो सकता है, आफ्टर केयर सर्जन के हिसाब से आपको करना पड़ेगा, और वेरी रेयरली वास्ट डिफरेंस अपने आप ग्रो बैक कर सकती है। जी हाँ, दैट इज पॉसिबल, कि हमने उसको दोनों जगह से बांध, यहाँ बांधा, यहाँ बांधा और काट दिया। अब बीच में से टोटली क्या करते हैं लोग, इतना काट देते हैं, इतना डिस्टर्ब, लेकिन कभी कभी दूर हो जाता है ना, तो कभी कभी वो ग्रो कर जाता है, ये भी होता है, इट इज पॉसिबल, बताए, नेचर आपको बिल्कुल सरप्राइज कर देती है। सो इसलिए उसको सही तरीके से काट के दूर किया जाता है, रेयरली पॉसिबल, राइट। सो इसीलिए ऐसा नहीं है कि 100% कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई ही भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो फेल होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। फेलियर रेट है उसका, फेलियर रेट है 1,000 में एक, 1,000 में एक फेल हो सकता है, 1,000 में एक। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटी। उसके बाद, प्रोसीजर के बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपना खुद का, अपने कुछ दिनों के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, पेन किलर्स और क्लोथ्स थोड़े टाइट की जगह लूज पहनने पड़ेंगे, और प्रोसीजर के बाद आपको 2 से 3 दिन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने नॉर्मल वर्क में जाने के लिए, कोई भी काम करने में कोई इशू नहीं है। आपको कुछ दिनों के लिए स्क्रोटल सपोर्ट पहनना पड़ सकता है, 3 से 4 दिन के लिए, यानी अंडकोशों के जो वहाँ हैं उसमें सपोर्ट पहनेंगे, ताकि वहाँ पे प्रेशर से कोई ज़्यादा वो ना हो, पेन ना हो, दर्द ना हो, नुकसान ना हो, वो कर सकते हैं। इंटरकोर्स यानी सेक्स आप कर सकते हैं, आप जब फील करें कि आप रेडी हो, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक का टाइम लगता है, उसके बाद आप परफेक्टली कर सकते हैं बिना किसी पेन के। ऑब्वियसली कहीं चोट लगेगी, टाका लगेगा, तो 1 हफ्ता तो लगेगा, राइट। सो ये चीज आपको समझनी है। वैसेक्टॉमी इज सक्सेसफुल अगर आपके डॉक्टर ने सही तरीके का ऑपरेशन किया है, और उसके बाद सीमेन एनालिसिस करके उसमें जीरो स्पर्म्स मिले हैं, तो रिमेंबर दैट। इसीलिए जब आपने वैसेक्टॉमी करा ली, इमिजिएटली उसके बाद आप अपनी दवा, अपना कॉन्डम या अपना बर्थ कंट्रोल बिल्कुल नहीं बंद करेंगे। वैसेक्टॉमी करने के बाद
आपका सीमेन एनालिसिस होगा, उस सीमेन में अगर स्पर्म जीरो आएगा तब आप बंद कर सकते हैं अपनी बर्थ कंट्रोल पिल। ये वो बारीक पॉइंट्स है जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा इन चीज़ों के बारे में, और मोस्टली शायद आप इन चीज़ों के बारे में बात भी नहीं कर पाओगे किसी से, इसीलिए ये वीडियो इतना आवश्यक है। सो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और इस बारे में दूसरों को बताइए। प्रोग्नोसिस के लिए याद रखिएगा कि बड़ा ऑपरेशन नहीं है, आपके मर्दानगी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आपके टेस्टोस्टेरोन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप जब वैसेक्टॉमी करा लिया, नसबंदी करा लिया, को उसका मतलब ये नहीं है कि आप फौलादी हो गए हो और आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं होगा। तो ये बात याद रखिएगा, अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं आपके तो आपको कॉन्डम यूज़ करना चाहिए, है कि नहीं? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप चाहे दूसरे को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते पर आप बीमार हो सकते हो, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपको बिल्कुल कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होगा, कोई ऑर्गेजम में प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इजैक्यूलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ आपके इजैक्यूलेशन में स्पर्म नहीं होगा, आपको फ्लूइड फ्लूइड जाएगा, स्पर्म स्पर्म नहीं जाएगा। दिस इज बेसिक्स, दिस इज द एक्चुअल फैक्ट। सो कॉन्डम यूज़ करिए अगर आप अपने इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं। स्पर्म काउंट्स कई बार स्लोली स्लोली रिड्यूस होके बंद हो जाते हैं और कई बार इसको 3 महीने तक भी लग जाते हैं, राइट? 3 महीने तक भी लग जाते हैं स्पर्म काउंट को धीरे धीरे करके ख़त्म होने में। इसीलिए वैसेक्टॉमी करने के बाद ट्यूबल, ये आप इमीडिएटली बर्थ कंट्रोल नहीं बंद करेंगे, आप टेस्ट कराएंगे आपका सीमेन, उसमें स्पर्म काउंट जीरो आ गया, काम हो गया, राइट? सो इसीलिए आप अपना बर्थ कंट्रोल फ्री होने के लिए समय देंगे, थोड़ा सा हिसाब किताब। और ज़्यादातर लोग जो ये कराते हैं फुली सेटिस्फाई होते हैं, कपल सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ लोग होते हैं जो लोग इसको फिर से वापस कहते हैं कि भाई सेरलाइजेशन मुझे नहीं कराना, मुझे वापस। तो उस तरीके का ऑपरेशन थोड़ा ज़्यादा मान के चलिए कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट पॉसिबल होता है, राइट? कभी कभी वहाँ पर लंप आ सकता है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो वहाँ पर गांठ बन सकती है, पोस्ट वैसेक्टॉमी फेलियर हो सकता है जैसा मैंने बताया 1000 में से 1 केस, और पोस्ट वैसेक्टॉमी पेन सिंड्रोम हो सकता है। कुछ लोगों में होता है कि भाई उनको जब फील होता है मेरे को दर्द हो रहा है, बस फील होता है मेरे को दर्द होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जरूर हो सकता है, क्योंकि लोग ऐसी चीज़ें दिमाग में बैठा देते हैं, अरे तूने तो ये करा लिया, अब तेरे में मर्दानगी खत्म, अब तेरे में वो बात नहीं रहेगी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सोच सोच के, बिल्कुल जैसे लोग मैस्टर्बेशन के बारे में सोच सोच के, नाइटफॉल के बारे में सोच सोच के पगला जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इस चीज़ के बारे में सोच सोच के कभी कभी लोगों की बातों में आने की वजह से उनके मन में बैठ आता है वहम, और वहम से बुरा कुछ नहीं। चाहे वो वहम आपकी फैमिली में, आपके खुद की पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके हेल्थ के बारे में हो, वहम आपके लिए एक बीमारी है। तो वहम मत पालिए, इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई भी खतरनाक कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, ना ही आपके सेक्सुअल डिजायर में, ना ही आपके सेक्स लाइफ में, इरेक्शन में, इजैक्यूलेशन में, ऑर्गेजम में। यू आर एज गुड ऑफ अ मैन एज यू वर इफ यू डू दिस ऑपरेशन। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट वैसेक्टॉमी। Do let me know your questions. I'm happy to answer them all.